रुवाई दिए दवा दिए जो कुछ हम सुनिए रुवाई तो वह आदमी जिसकी रुवाइयां नबी सुने का नाम माने वो कहता है अगर क्या होना भरत पर जिसकी रुवाइयां ने मामले में क्या नहीं सुनी नबी कारी सुनिए जिसकी रुवाइयां सुने मुस्तफा माने ये है इस दर्जे का वली इस दर्जे का आलिम और फिर मुरीद और शेख शिहाबुद्दीन का जिनकी किताब तसव्वुफ के बुनियादी है अवार वो कहता है अगर रसूनी वर्क अगर रातों रब तुम्हें वर कबूल तो आप मानना मानना लोड़ी तो आप मानना मानना ला मुझे नहीं लोड़ बाकी तो भी इतना ही चाहता हूं कि मैंने तो सुना माने आवे मुझे नहीं लोड़ बाकी बातों भी बस इतना ही काफी है कि मैंने तो सुना माने आवे रसूल मेरे हाथों में दामन होगा क्या उम्र ने नहीं कहा जाल लिखवा के लिया मेरे से फरमाएंगे ये इतनी खूबसूरत रोशनी है
अगर हम इन्हें खूबसूरती से सुनने समझे, इस पे अमल का राह बनाए और इसे मजबूती से काम लें, तो यकीन रखो कि हमारे लिए जन्नत बड़ा सीधा रास्ता, बहुत सीधा रास्ता। इसे सुना करें, समझा करें, ज़हनों में बिठाया करें। और जब मैं बात करने लगा था कि ये ईदगाह में महानामा ईदगाह शरीफ चल रहा था, अक्सर बैठ के बात होती है कि इसका दोबारा हम अगर खाली ये मवाद इकट्ठा कर लिया करें, अब तो इस वक्त तो किसी ने नोट नहीं किया, लेकिन हर चीज कमरे चली जाती है, इसको करते ही लाया करें। आप लोग सब इसको लिखा करें, लिखने के बाद सामने लाए और इस नामे का बाकायदगी के साथ ये इजरा हो। ये यकम पहला महीना ये मुहर्रम शरीफ का, मैं चाहूंगा कि अब ये प्लानिंग, ये सिटिंग, बैठना, मुशावरत, इसकी छटो और फटाफट ये एडिटर साहब के पास लेके जाओ करो और सारा सिलसिला और इसको जल्द अज जल्द इसका अजरा होना चाहिए। इसी माह मुबारक से इतने खूबसूरत तरीन नस्बतों वाले अरफा वाला महीने से इतना खूबसूरत मवाद लें और इसको छापें और आगे पहनाएं। किबला, मेरी दरख्वास्त सब तक पहुंच चुकी है।